पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक्टिविटियों के नाम से मशहूर एक स्कूल में जिसका नाम है ट्रू एजुकेशन ग्लोइंग स्कूल मोडी। अगर यहां पे मैं आपको बता दूं कि महज 2 साल हुए हैं यानी कि तीसरा सेशन इस स्कूल को ओपन हुए चल रहा है। इस 3 सेशन में जो मुख्य एक्टिविटियां हैं वो स्कूल ने करवाई हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इंडियन स्टेट फेयर के नाम से स्कूल में आयोजन करवाया गया था जिसमें पूरे भारत के दर्शन जो है भारत भ्रमण पूरे स्टेट का इस कार्यक्रम के माध्यम से करवाया गया था। ग्रामर वर्कशॉप करवाया गया था, इंग्लिश ग्रामर के वर्कशॉप का आयोजन स्कूल में करवाया गया था बच्चों की इंग्लिश ग्रामर जानकारी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। मैथ मार्केट का आयोजन स्कूल में हो चुका है, पेरेंट टैलेंट शो का आयोजन स्कूल में हो चुका है और अब आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है साइंस एग्जीबिशन यानी कि विज्ञान की प्रदर्शनी। कहा जाता है कि साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्कूल के मैनेजमेंट ने इस चीज़ को करवाया है, इस एग्जीबिशन को करवाया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस एग्जीबिशन में क्या कुछ खास रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पे आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सेठी जी, वो आज इस पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले वो जानते हैं और उसके बाद में बच्चों ने जो मॉडल बनाए हैं अलग अलग तरह के 40 से भी ज़्यादा मॉडल यहाँ पे बच्चों ने अपने हाथों से स्वयं बनाए हैं बिना किसी की हेल्प लिए, तो उनसे भी जानेंगे कि ये मॉडल कैसे काम करते हैं। मुख्य मुख्य मॉडल के बारे में आपको हम बताएँगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ आज के मुख्य अतिथि की तरफ जो कि इस साइंस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। चलिए अभी मैं आपको एक बार पूरे जो साइंस के जितने भी मॉडल हैं उन सभी से एक बार मिलवा देता हूँ। इधर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास से लेकर के और 8th क्लास तक के बच्चे हैं और उस मॉडल को जो है इन बच्चों ने बनाया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट एनिमल, होम ऑफ एनिमल्स, ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो ये मॉडल जो है वो तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हाउस वी नीड के नाम से ये मॉडल बनाया गया है, इसमें भी छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे होंगे तो वो यहाँ पे इस मॉडल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फूड वी ईट और इसके आगे अगर बात करूँ तो वाटर वी ड्रिंक कि हम पीने का पानी जो है कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो गेम्स वी प्ले, ये भी छोटे बच्चे हैं जो हम गेम खेलते हैं, जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ के साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी इस साइंस प्रदर्शनी का जो है वो अवलोकन कर रहे हैं कि आखिर बच्चे किस प्रकार से जो है यहाँ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं जो ये मॉडल बनाए हैं। आगे इस मॉडल जो बनाने वाले बच्चे हैं और स्टाफ मेंबर जो हैं, जो पेरेंट्स आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज के मुख्य अतिथि हैं जिन्होंने अभी अभी अवलोकन किया इस साइंस एग्जीबिशन का, चलिए उनसे आपको मिलवाते हैं। सेठी साहब, अगर बात करें तो इस स्कूल में लगभग इस तरह की प्रदर्शनी होती रहती है, मैथ कंपटीशन की बात करें या फिर जो पेरेंट टैलेंट शो की बात करें, तो इंग्लिश ग्रामर वर्कशॉप का आयोजन करवाया गया था, इंडियन स्टेट फेयर का करवाया गया था, अब अगर बात करूं तो ये साइंस एग्जीबिशन लगा है, आपने अवलोकन किया है, कैसी प्रतिभा बच्चों ने प्रदर्शन किया हुआ है? बहुत बढ़िया प्रयास है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो स्कूल की टीम है ट्रू एजुकेशन की, बहुत ही बढ़िया प्रयास कर रही है, क्योंकि कोई भी बच्चा थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से सीख पाता है, और आज यही प्रतिभा बच्चों में देखने को मिल रही है, चाहे वो LKG UKG का बच्चा हो और चाहे वो 8th क्लास का, सबसे बड़ी क्लास है, जो भी साइंस के इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, सब बच्चों की खुद की अध्यापकों के दिशा निर्देश में मेहनत है और बहुत ही बढ़िया प्रयास है, इससे निस्संदेह बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। सर, अगर मैं बात करूं तो सबसे बढ़िया मॉडल जो है आपको कौन सा लगा, इन तमाम 40-42 मॉडल हैं, जो आपके दिल को छुआ हो जो मॉडल? अलग से किसी भी मॉडल को बहुत अच्छा कहना बाकी सारे बच्चों के साथ न्याय होगा, सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत की हुई है, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, इनमें से ख़ास तौर पे जैसे सोलर सिस्टम का बनाया हुआ बच्चों ने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है और एक इलेक्ट्रिक जनरेटर का है, ये काफ़ी अच्छे प्रयास हैं, बाकी भी सभी मॉडल बहुत अच्छे हैं। चलिए, शुक्रिया सेठ साहब बातचीत के लिए। तो चलिए अभी मैं आपको ले चलता हूँ, मिलवाता हूँ जो स्टाल जो बच्चों ने लगा रखी है, पूरे स्टालों के ऊपर तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन कुछ एक जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, उन पर ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सोलर सिस्टम पर ले चलता हूँ, बच्चे टोटली इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि हिंदी में आपको ये कुछ समझा सकें, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो ग्रामीण एरिया की ऑडियंस है और वो हिंदी ही समझना पसंद करेगी। हिंदी में बोल सकते हो आप? यस। ओके, तो ये बताइए मुझे कि ये जो सोलर सिस्टम है, ये आपने मॉडल बनाया है, किन चीज़ों को ध्यान में रखा है, कैसे ये काम करता है, कैसे ये हमारे यूज़ में होता है? ये वर्किंग मॉडल नहीं है सर, वैसे ही है, ये यूनिवर्स का। अच्छा, यूनिवर्स मॉडल है। अच्छा, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपका बनाने का? ये बता रहे हैं कि ना ये सारे प्लैनेट्स कितनी दूर है, कितने पास है, और कौन सा ज़्यादा मतलब तेज़ है और कौन सा ज़्यादा ठंडा है, ऐसे बताते हैं। यानी कि ये जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो आपने यहाँ पे शो की? यस। ओके, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से प्लैनेट में है? वीनस में। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अभी रेन हार्वेस्टिंग सबसे अहम, राजस्थान में लगभग बहुत ज़्यादा मॉडल ये चलता है, इसी तर्ज पे जो है राजस्थान में जो लोग हैं पीने के पानी को करते हैं, शायद वही चीज़ होगी। हाँ बेटा, किस तरह से ये मॉडल काम करता है? सर, पहले बारिश आएगी, फिर इसमें पानी जाएगा, और सर विद द हेल्प ऑफ ये पाइप उस टैंक में वो कलेक्ट होगा, और सर वो वाटर हम पानी को भी दे सकते, वो प्लांट्स को भी दे सकते हैं। अच्छा, वो वाटर जो है वो हम पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं? यस। नो सर, बिकॉज दिस इज नॉट फ्रेश, बिकॉज द रेन वाटर इज नॉट फ्रेश। तो बारिश का जो पानी होता है वो हमने इकट्ठा कर लिया इस टैंक में, ठीक है, इस टैंक में इकट्ठा करने के बाद इसको अगर हम फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद हमने इस टैंक में ले लिया इसको, तो उसके बाद हम पीने के लिए यूज कर? यस सर, यस सर, देन वी ड्रिंक। चलिए, थैंक यू। तो चलिए अब अगले मॉडल की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, जो कि एसी ड्रेन का है, और ये एसी ड्रेन कैसे होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है, इन तमाम सवालों के जवाब जो है इस मॉडल में सारे छिपे हुए हैं। तो चलिए बच्चों से जानते हैं, ये मॉडल जो आपने बनाया है, ये इसका मेन पर्पज़ क्या है? बिकॉज इन अवर कंट्री इज मच पोल्यूशन। स्पीक इन हिंदी, स्पीक इन हिंदी। हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल चुका है, इसलिए हमने ये मॉडल बनाया है कि दिखाने के लिए, क्योंकि ट्रीज मत कट कीजिए, एसिड रेन पोल्यूशन की वजह से ऊपर जाके हवा की पोल्यूशन फॉर्म में जाके बरसता है, जो
डेड एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनसे। अच्छा, तो हम इसको रोक कैसे सकते हैं, कहाँ कहाँ ये एसिड रेन होती है? ये ज़्यादातर तो सिटियों में होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, हमें इसलिए हमें रोकने के लिए एक आइडिया, हम प्लास्टिक बैग ना यूज़ करें और पोल्यूशन ना करें और हम ज़्यादा ट्री उगाएं। चलिए बेटा आप बताओ, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कहाँ कहाँ ये पोल्यूशन होता है ज़्यादा? ये पोल्यूशन ज़्यादा ये मुंबई या दिल्ली में ही होता है कि इसमें हमें ये गाड़ियाँ कम यूज़ करनी चाहिए। चलिए अब आगे अगर मैं आपको बढ़िया सा मॉडल दिखाना चाहूँ तो ये रोबोटिक हैंड जो है ये मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि आज की आधुनिक चीज़ है ये। यस, क्या ये बेटा क्या आपने बनाया है, क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? सर, व्हेन वी पुश द इंजेक्शन लाइक दिस। बेटा प्लीज स्पीक इन हिंदी। सर, जब हम इसे सर दबाते हैं सर, सर तभी ये काम करता है सर। कैसे मतलब? ये आपने क्या शो क्या किया है, व्हाट इज दिस? सर दिस, सर ये कचरा भी सर पिकअप कर सकता है और सर ये इसलिए सर इको फ्रेंडली भी है सर। अच्छा सर, तो ये काम कैसे करता है? सर जब हम इसमें सर ये इसको पुश करेंगे तो इसमें से पानी दूसरे इंजेक्शन में जाएगा और सर, ये जो चीज है ये अपने आप ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी तो ये जो बोर्ड है ये अपने आप ऊपर जाएगा, इससे ये काम। सर अब आप, सर ये एक से दूसरे इंजेक्शन में पानी पास करता है और उसकी वजह से ये चलता है सर। ये प्रेशर से काम करता है, मतलब यही है कि प्रेशर जो है, एयर प्रेशर है, उससे ये काम करता है सर। वाटर एंड एयर प्रेशर। अच्छा, वाटर एंड एयर प्रेशर दोनों से ये मिलके काम करता है। ठीक है, यानी कि आज का जो समय है वो प्रेशर का समय है तो माइंड पे भी प्रेशर होता है जिससे कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है और ये मशीनें भी प्रेशर वाली आ चुकी हैं। चलिए आगे, ये कैंडल फायर है, ये भी आपको दिखाते हैं ये कैसे काम करता है, क्या आपने दिखाने का प्रयास किया इस कैंडल फायर में? सर विदाउट ऑक्सीजन सर कैंडल डॉट नॉट वन सर। ओके, यानी कि ये तो आप भी जानते होंगे अच्छे से कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ नहीं जलती। यहाँ पे इन बच्चों ने इस कैंडल को दिखाने का प्रयास किया है। चलिए आगे, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लोथ्स वी वियर, तो बेटा कौन कौन से क्लोथ्स हैं जो हम पहनते हैं, क्या दिखाया आपने? समर एंड विंटर। सर्दियों में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? सर कोट, स्वेटर एंड गर्म कपड़े। गर्मियों में कौन से पहनते हैं? शर्ट पैंट और ठंडे कपड़े। ये एनिमल्स अराउंड अस, कौन कौन से एनिमल है बेटा? विल्ड एनिमल एंड पेट एनिमल्स। अच्छा, विल्ड एनिमल और पेट एनिमल में फर्क क्या होता है? सर पेट एनिमल घर पे रहते हैं और वो वाइल्ड एनिमल जंगल में रहते हैं एंड जू आल्सो। अच्छा, तो जो वाइल्ड एनिमल है वो हमें खा जाते हैं? यस सर। पक्का? यस सर। कौन कौन से? शेर, लायन, टाइगर। तो चलिए अभी ये फन विद मैग्नेट, ये तो लगभग पता ही है कि मैग्नेट जो है आमने सामने से नॉर्थ जोन टकराएंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। और ये आगे वाटर साइकिल है कि हम कैसे जो बादल है वो पहाड़ों से पानी को इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे बरसता है, बरसने के बाद वापस जो है सूर्य में वाष्पीकृत हो जाता है। इसी तरह से ये जो है सर्कल चलता है। चलिए अब, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मॉडल के बारे में मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। चलिए अभी जानकारी देते हैं। यस बेटा, ये मॉडल कैसे काम करता है? जी, हमें बताता है कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और हमारे लंग्स को ये ख़राब करता है। अच्छा, ये लंग्स को ख़राब करता है, ये काम कैसे करेगा? इसको हम करते हैं। वैसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य को ख़राब कर सकता है? ये प्रैक्टिकल कैसे करोगे आप? प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा? सर पहले हम एक बोतल लेंगे सर, सर फिर ना उसके अंदर पानी डालेंगे, फिर वो सिगरेट लगाएंगे, फिर वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा सर। ठीक है, येलो और ब्लैक दोनों हो जाएगा, यानी कि जो सिगरेट का टार निकलेगा वो इसमें आएगा। यस सर। ठीक है, चलिए आपको हम ये मॉडल जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। वैसे तो लगभग हम टीवी चैनल में देखते ही हैं कि किस प्रकार से वो फेफड़े को निचोड़ते हैं और वो टार निकलता है और कीप दिखाई होती है कि इतना जो टार है वो आपके शरीर में जमा हो जाएगा।
केवल मात्र एक सिगरेट से नहीं, धूम्रपान की कोई भी चीज़ है उससे भी ये टार निकलता है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए मॉडल कैसे काम करता है वो दिखाते हैं आपको। अब ये देखिए बोतल के ऊपर जो है ढक्कन में सिगरेट लगा के रख दी और उसके नीचे जो पानी है एक छेद कर दिया बोतल में और ये पानी जैसे जैसे जा रहा है हवा का प्रेशर बन रहा है और ये सिगरेट जो है ये जलती जा रही है। यानी कि ये मानव शरीर है जो कि इसको धुएँ को खींचता है तो वो जो है सिगरेट छोटी होती जा रही है और ये जो धुआँ है ये मानव शरीर के अंदर जा रहा है। तो चलिए अब इसका क्या कुछ नुकसान है, कितना फ़ायदा है वो हम आपको दिखाएंगे इसके माध्यम से। ये अब आपने सिगरेट पूरी नहीं खींची है, अभी पूरी नहीं पी है, थोड़ी सी पी है, तो इसका भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना नुकसान किस तरह से हमारे जो फेफड़े के अंदर ये सिगरेट का जो धुआँ है वो जमता है। अब ये सफ़ेद कपड़ा है, आप देख सकते हैं ये सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद है, कोई भी यहाँ पे निशान नहीं है। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं कि सिगरेट पीने के क्या नुकसान है। ये देखिए ये धुआँ जो है ये वापस बाहर निकल रहा है, वापस बाहर निकलेगा तो किस प्रकार से आपके यहाँ नुकसान होगा आपके शरीर में वो दिखाएंगे। ये लीजिए, ये देखिए इस तरह से जो है ये इतनी सी थोड़ी सी सिगरेट पीने से इतना ज़्यादा हुआ है। जब आप दिन में 4 या 5 या 6 सिगरेट पीते हैं तो आपके ये 2-1 कंप्लीट सिगरेट का है, एक पूरी सिगरेट से ऐसे हालात होते हैं, ये देखिए आप। तो चलिए यहाँ पे बच्चों ने बताया कि स्मोकिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अब उसके आगे ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो हमारी धरती है उसके बारे में बताया गया है। और ये एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन फैक्ट्री ज़्यादा व्हीकलों के यूज़ से जो है वो होता है। और आगे स्ट्रक्चर ऑफ सन, सन का क्या स्ट्रक्चर है वो बताया गया है। और आगे एयर हैज़ वेट की हवा में भी वजन होता है, स्टेट ऑफ मैटर। ओके, ये क्या है बेटा? सर दिस इज सॉलिड मैटर। अच्छा, कैसे काम करता है ये सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, आप बताओगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके? सर दिस इज प्रैक्टिकल। हिंदी में बताओ। सर इसके अंदर सर ये बर्फ होती है ना सर, वो सॉलिड होती है सर, उसके अंदर सर जो तब बर्फ पिघल जाती है तो सर ये पानी बन जाता है, तो सर जो गैस होता है तब पानी को हम उबालते हैं तो सर उसके अंदर से जो हवा निकलती है सर वो गैस होती है। यानी कि पानी के अलग अलग रूप दिखाए हैं आपने कि वो सॉलिड में भी होता है और लिक्विड में भी होता है और गैस के रूप में भी पाया जाता है। अकेला पानी है ऐसा या और भी कोई चीज़ है? नो सर, ओनली पानी, वाटर, पानी है जो तीनों रूपों में पाया जाता है। चलिए अब अर्थ रोटेशन, ये किस तरह से रोटेट करती है अर्थ ये दिखाया है, वो तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि धरती चारों ओर घूमती है। और आगे ये सोलर एनर्जी, चलिए ये जानते हैं। हाँ बेटा, ये कैसे मॉडल काम करता है? ये लाइट, ये बटन है, ये स्विच को ऑन करते हैं तब ये वाली चल जाती है। हाँ। और फिर इससे लाइट इसके अंदर आती है, इसको ऑन करते हैं तब ये चलता है। अच्छा, इससे लाइट, ये सोलर प्लेट लगी हुई है यहाँ पे, इससे लाइट इसके अंदर आती है, इससे अगर आप अगर परमिशन देंगे तो ये लाइट जलेगी, अदरवाइज नहीं जलेगी। यस यस सर। सोलर एनर्जी को डिस्क्राइब किया यहाँ पे बच्चों ने। ये वोल्केनो जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, तो चलिए बच्चों से जानते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। यस बेटा, कैसे काम करता है ये? हम इसमें इनो की पुड़ी डालेंगे। हाँ। और ये बाहर आएगा। अच्छा, ये बाहर आएगा, यानी कि ये ज्वालामुखी जिस तरह से फटता है उसी तरह काम करेगा। यस सर। चलिए ये सर अभी इसमें इनो डालेंगे, और इसके अंदर पानी है या कोल्ड ड्रिंक है? कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक है। अब इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक देखिए, जैसे ही कोल्ड ड्रिंक में इनो डाली, बाकी आप नमक डालोगे तो भी ऊपर आएगा। तो ज्वालामुखी जो है वो ऐसे फटता है, ज़्यादा जो एनर्जी होती है उसके पास तो एनर्जी को वो जो अर्थ है हमारी वो कंज्यूम नहीं कर पाती, तो ऐसे में जो ज्वालामुखी वो फट के ऊपर आ जाता है। चलिए ये वेस्ट टू ट्रेवल, गेम्स वी प्ले और वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट, ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे बच्चों ने दिखाने की कोशिश की है। चलिए अभी मैं सबसे छोटे बच्चे हैं उनके पास ले चलता हूँ, होम्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स गिव्स अस मिल्क।
cow and buffalo give us milk. Goat? Goat not gives us milk. Okay. Yes, sir. So which animal guard our home? Sir, dog. Dog? Okay. Where does a monkey live? Monkey live on tree. On trees, okay. Lion कहाँ रहता है? Lion live is den. Den, okay. तो ये animal जो home है, उनके बारे में इन बच्चों ने बताया. चलिए अब आगे forest animals जानते हैं, which is known as the king of the jungle. Lion. Lion, very good. Which animal look like human? चलिए अभी यहाँ पे आए हुए जो तमाम अभिभावक गण हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इस प्रदर्शनी को लेकर के, चलिए वो जानते हैं. सबसे पहले तो मैं स्कूल प्रशासन को बहुत बहुत बधाई दूंगा और बड़ी खुशी हुई है देख के. साइंस जो बच्चों ने जो बनाया है बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए हैं, जो अपने फ्यूचर में यूज होने वाले हैं, तो बहुत आगे जाएंगे बच्चे. होती साइंस एग्जीबिशन पहले भी होती रही है, शहरों में होती है, अब बड़े स्कूलों में होती है. छोटा बच्चा जो UKG LKG फर्स्ट या सेकंड में, उन बच्चों को भी जो है एक गांव के छोटे से गांव में भी उनको एग्जीबिशन का मौका मिला है, वो कुछ करेंगे सीखेंगे. बढ़िया जी, यहाँ पे होशियार सर बढ़िया कराते थे स्कूल में सारा कुछ जी, और आज जी साइंस लैब का उद्घाटन किया है जी, ये बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ है जी. आगे आने वाले बच्चों में तो यही कहता हूँ, इस एरिया के अंदर है ना ये जी स्कूल बहुत बढ़िया है, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ जो भी है, मैं तो ये कहता हूँ अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लगाएं. और मेरा बच्चा यहाँ से 3-4 साल से यहाँ पे स्टडी कर रहा है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है जी. बहुत अच्छा है जी, नई नई जानकारी इसमें सीखने को मिली, हमको भी मिली, हमने ये प्रोग्राम कभी ऐसे नहीं देखा था जो आज हमने देखा है बच्चे को. यहाँ पे बहुत सारे मॉडल है, मेरे को स्मोकिंग्स का जो वो प्रोजेक्ट था, जो भी इनका मॉडल था, वो बहुत ही अच्छा था, आज तक का सबसे बेस्ट मॉडल मैं तो उसी को मानूंगी. कैसे? क्योंकि उसमें बताया गया है कि भी कैसे वो अपने को लंग्स को हार्म करते हैं और कैसे वो बॉडी को हार्म करते हैं, सिगरेट्स वगैरह, उसमें बहुत ही बढ़िया बताया गया था. बोतल को लेके उसको सिगरेट से बताया गया था कि भी कैसे वो अंदर बॉडी में हार्म करता है, कैसे वो अपने लंग्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है. एक तो रेन वाला देखा, एक दूसरा भी वो जो नार्क है अच्छा है अभी, काफ़ी उन्होंने बच्चों ने काफ़ी तैयारी कर रखी है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने, और इतनी स्पीड में बोल रहे हैं ना बच्चे, उनकी पूरी एक्सपीरियंस है उनको. थैंक यू सर. खास बहुत है, बढ़िया है. मेरा बच्चा पहले मैरीलैंड स्कूल में था, हटा के मैंने यहाँ लगाया है. मेरे को बहुत अच्छा लगा, बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, नया करने को मिल रहा है, स्पोर्ट्स में अच्छा चल रहा है, अगर स्पोर्ट्स में और चल जाता है, स्टडी कर रहा है, तो और क्या चाहिए सर. बहुत अच्छा स्कूल है, बढ़िया. सर बच्चों ने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, सभी पर लगभग मॉडल बना रखे हैं और उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है. एयर पोल्यूशन पर है तो उनको ये भी पता है, अगर फैक्ट्रियों में धुआं उठ रहा है तो उसके आसपास पेड़ पौधे लगाएंगे तो इस पोल्यूशन को रोका जा सकता है. और हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसी सीजन में आए थे और वो भी इतने अच्छे मॉडल बना के, और 1 or 2 days में इन्होंने मॉडल बनाए हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारे आने वाले साइंस टीचर हैं, ये साइंस इंजीनियर बनेंगे, तो हमारे देश का भविष्य है ये, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश है. तो यही है सर भी, ये अगर एग्जीबिशन ऐसे ही होते रहे तो बच्चों के जो दिमाग में एक्टिविटी अच्छी चलती है, अच्छा चलता है बच्चा, ये ज़रूरी है आने वाले टाइम के लिए बच्चे के लिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चे को. देखिए एग्जीबिशन ये बहुत अच्छा, एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्टेप है. स्टेप बाई स्टेप ये चीज़ें हम जब घूम के इधर से देखा तो उस एग्जीबिशन में हमें जैसे बच्चों के लिए एज ए साइंटिस्ट कल को ये बनने के लिए मतलब आगे जाएंगे तो ये जो बेस है बहुत ज़रूरी होता है बनाना, और बच्चों को शुरू से इस तरह की नॉलेज देनी. तो हमारे एरिया के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा एग्जीबिशन बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है. बहुत अच्छा है जी, ये तो हर साल जैसे साल में 2 बारी प्रोग्राम होता है तो एक से एक बढ़ के होता है, तो बच्चों पर भी है, बाकी हमारे जैसे पेरेंट्स पर भी होता है, तो बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, बच्चे अच्छे प्रैक्टिस है, इंग्लिश में तो बहुत बढ़िया है ये. अच्छा क्या कुछ कहना चाहोगे साइंस से? साइंस सिटी बहुत अच्छा लगा सर मेरे को, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए जो एजुकेशन का जो माहौल होना चाहिए मेरे मायने में भी, इन्वायरमेंट एक ओनली मेंटल रूप से प्रिपेयर होना जरूरी नहीं है,
यानी कह सकते हो बॉडी रूप से भी, हेल्थ से भी, ये सारा इन्वायरमेंट यहाँ पर मिल रहा है। तो इस व्यू के अंदर हम देखें तो बच्चों को मेरे ये चीज़ें देखते हैं तो बच्चा ये अकेला मान लो इस इन्वायरमेंट के अंदर विकसित अच्छा होगा, उसका विकास भी होगा और साथ में क्या होगा आगे आने वाले टाइम के अंदर आगे भी बच्चों को गाइड करेंगे, इस तरह के बच्चे मान लो आगे बढ़ेंगे। ये एग्जीबिशन में आपको कैसा लगा? एग्जीबिशन के अंदर ये लगा कि इतने मान लो छोटे बच्चे LKG UKG के जो बच्चे हैं, फर्स्ट के जो बच्चे हैं, इस लाइन के इस टाइम के अंदर बहुत मुश्किल होता है ये करना, परंतु ये बच्चे करें। हम कॉलेज के अंदर करवाते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं बच्चे, ये तो स्कूल है, छोटा पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है। मान लो आप 12th का 11th के बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं, तो ये भी बहुत मान लो अच्छा इनको गाइडलाइन किया गया है स्कूल की तरफ से। और ये स्कूल के स्टाफ का मानो, स्कूल के मैनेजमेंट का मानो, जिनका सहयोग है, जिस कारण ये चीज़ें आगे बढ़ रही है। अच्छा, अभी जो सभी मॉडल्स देखे क्या क्या आपको खास लगा, किस तरह से बच्चों की प्रतिभा जो है सामने आई? बढ़िया लगा वैसे इस स्कूल में, जैसे ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो साइंस एग्जीबिशन लगा, और कुछ काफ़ी भी क्रिएटिव चीज़ें बनाई है बच्चों ने भी, जो बढ़िया है बच्चों के लिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मैम? एक आम का बढ़िया लगा जो बच्चों ने एक बाजू बनाई है जो वर्किंग में बनाई हुई है, वो ज़्यादा बढ़िया लगी, और छोटे बच्चों का उनके हिसाब से जैसे भी है वो सब सही लगा, बढ़िया। सर आज आपने ये साइंस एग्जीबिशन क्या कुछ मुख्य उद्देश्य अगर हम जानना चाहेंगे? सर बच्चे जो स्टडी करते हैं ठीक है, वो बुकिश लैंग्वेज से स्टडी करते हैं और वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते, इससे क्या होता है कि रटाफिकेशन वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। लेकिन जो बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं तो उनको बहुत अच्छे से लर्न होता है और वो चीज़ें ज़्यादा मतलब टाइम तक रहती है, उनको याद रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये सोचा कि बच्चों से एक्टिविटी करवाई जाए या मॉडल बनवाए जाए, इनको टॉपिक्स दिए गए, ठीक है, उसके बाद में बच्चे ने खुद आइडिया डेवलप किया कि हम इसे कैसे बनाएं, किस तरह से, कौन सी चीज़ें हमें नीड है इसके लिए। तो इस तरह से बच्चों ने सभी ये सभी मॉडल जो अच्छे से मॉडल सभी ने बच्चों ने बनाए, और इनके सभी के जो क्वेश्चन यहाँ पे जो मॉडल्स हैं वो 35 मॉडल्स हैं और सभी के 20 क्वेश्चन, तकरीबन ये 700 क्वेश्चन जो बच्चों ने लर्न किए हैं। तो इनसे इनका क्या है कि एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है साइंस के अंदर और इन फ्यूचर ये साइंस फील्ड अपने एज ए मेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इससे बच्चों को बहुत ही बेनिफिट होता है, बच्चों का शार्प होता है माइंड, उनको एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमने आगे कैसे करना है, कैसे मतलब कि उनको जो स्टडी है प्रैक्टिकली तरीके से सीख पाते हैं, अच्छे से उनका माइंड चलता है, तभी वो थ्योरी वगैरह अच्छे से सीख पाते हैं। मेन पर्पस टू ऑर्गेनाइज दिस फंक्शन इज दैट द पीपल विल नोट गेट टू नो दैट हाउ साइंस इज यूजफुल इन देयर लाइफ, लाइक देयर आर मेनी मॉडल्स व्हिच आर टेकन फ्रॉम डेली यूज थिंग्स लाइक क्रेन्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स एंड ऑल दैट लाइक स्मोकिंग। पीपल विल गेट टू नो अबाउट अंडर व्हाट इज साइंस, इट इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, इट इज वेरी गुड सब्जेक्ट साइंस। सी द हाउ दे कैन scientists, who are the great scientists like Aryabhatta, and I'm sure that some students of this school also will be scientists in future because they are doing very well. See how they are making their model, their enthusiasm is very high and they are very very energetic in them, they are doing all their effort very high and they are all doing everything by their heart. ट्रू एजुकेशन ग्लोइंग स्कूल जिसमें आज ये साइंस एग्जीबिशन आयोजित किया गया है, उसके प्रिंसिपल जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर अगर हम बात करें, आप समय समय पर एक्टिविटी करवाते रहते हो, चाहे वो मैथमेटिक्स की वर्कशॉप हो, इंग्लिश ग्रामर वर्कशॉप हो, पेरेंट टैलेंट शो हो, और आज आपने जो है ये आयोजित करवाया है साइंस एग्जीबिशन, तो इस साइंस एग्जीबिशन का अगर मुख्य तौर पर हम लेकर के चलें तो क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं के हरियाणा टीम का यहाँ वेलकम करूँगा। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन किया, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, तो सर मैं बताना चाहूँगा कि साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, या बुक्स का दे दीजिए या जो भी जहाँ पे भी जो एजुकेशन दे रहे हैं, कोई भी स्कूल है चाहे हमारा है या जो भी है, ज़्यादातर थ्योरिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल वे से होना चाहिए, हमारा यही मेन पर्पज़ है। आप यदि सारी स्टॉल को, सारे एग्जीबिशन को घूमोगे तो आपको पता चलेगा बच्चों ने जो भी चीज़ें हैं पढ़ी हैं उनको प्रैक्टिकल वे से किया हुआ है और मॉडल बकायदा उनके बनाए हुए हैं। आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर एक मॉडल लगा हुआ है सोलर वाटर हीटर, सुना है सोलर वाटर है हीटर के बारे में सुना है, लेकिन बच्चों ने उसमें करके दिखाया, सिर्फ ओनली विद ब्लैक चार्ट बच्चों ने कोल्ड से वार्म वाटर करके दिखाया है। कितनी बड़ी बात है, ये छोटी छोटी बातों से बड़ी बातें बनती हैं।
यस। तो अगर सर मैं बात करूँ तो बच्चों में किस तरह का विकास, अगर साइंस के प्रति इंटरेस्ट की बात करें तो आपको क्या लगता है कितना इंटरेस्ट बच्चों का इन मॉडल्स के माध्यम से बनता है? बहुत अच्छा इंटरेस्ट बना है बच्चों का। मोस्टली क्या होता है कि जो बड़े बच्चे हैं 9th to 12th क्लास के बच्चे हैं ये साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए 2nd से लेकर के 8th क्लास के, 8th भी बहुत बड़ी क्लास नहीं है लेकिन 2nd क्लास का लेवल देखिए, इवन आपको UKG और 1st क्लास के भी बच्चे मिलेंगे, कुछ ना कुछ उन्होंने छोटा मोटा जो भी कुछ बनाया उन्होंने प्रैक्टिकल वे से बहुत इंटरेस्ट से बनाया, कोई किसी ने सपोर्ट नहीं की उन्होंने, क्या खुद बनाया है उन्होंने और जो बनाया उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ट्रू एजुकेशन ग्लोइंग स्कूल को शुरू हुए यानी कि ओपन हुए अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये 3रा सेशन आगे चलेगा, 2रा सेशन चल रहा है, तो इन 2 से 3 सालों में ही ट्रू एजुकेशन ग्लोइंग स्कूल जो है दिन प्रतिदिन अपनी अनूठी बुलंदियों को छूता जा रहा है। अगर मैं एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो तमाम तरह की एक्टिविटीज इस स्कूल में हमें देखने को मिली है जो आज तक हमें दूसरे स्कूलों में देखने को नहीं मिली, यही कारण शायद है कि ये जो स्कूल है वो दिन प्रतिदिन उभरता जा रहा है, स्कूल के जो बच्चे हैं वो दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को नए आयामों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश बेनीवाल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।